आपका नाम? अब्दुर्रहीम। जी अब्दुर्रहीम जी, क्या मुश्किलात हैं आपको? मुश्किलात तो हमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अफसोस बड़ा हमें हो रहा है कि जैसे अभी पंचायती इंतखाबात हुए हैं और इसके बाद अब दूसरे इंतखाबात आने वाले हैं, लेकिन मैं एक पैगाम अपने पंचायत मलका की आवाम को देना चाहता हूं कि अब जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि आज तक हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, हम उसको किस ज़बान से बयान करें वो नहीं बयान कर सकते कि हमारे जब भी इलेक्शन का मसला आता है, हमारे एमएलए साहब या जो भी वोट लेने वाले होते हैं वो घर घर में और दर दर में पहुंचते हैं और आकर कहते हैं कि जब हम जीत जाएंगे दूसरे दिन आपकी रोड का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन 70 सालों में पंचायत मलका में ना रोड है और ना डिस्पेंसरी आज तक नहीं आई है। जैसे कि बारहा हमने इस आवाज को ऊपर तक उठाया और उसके बावजूद किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। यही हमें कहा गया कि इस प्लान में नहीं, आगे के प्लान जो आ रहा है उसमें आपकी रोड रखी हुई है, आपकी रोड मंजूर है। लेकिन जमीनी सतह पर 70 सालों में हम ये लगभग 25 सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि हमारी रोड प्लान में रखी हुई है, वो आ रही है, और हम अपने आवाजदार से ये भी सुनते आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ पंचायत मलका के साथ बेइंसाफी हो रही है हर मामले के अंदर कि जब भी कहा जाता है रोड निकलेगी, लेकिन आज तक रोड का नामो निशान जमीनी सतह पर नहीं है। क्योंकि ये इलाका जो है, जब रोड से हम मुरियां और तारागढ़ को देखते हैं तो हमारी गर्दन को बल सा लग जाता है, और फिर वो लोग हमारे नौजवान भाई बुजुर्ग जो अपने कंधों पे 50-50 किलो जो है उठाकर अपने घर तक पहुंचाते हैं, वो क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो क्या तरक्की करेंगे? उनको एक नग जो है सुबह से शाम तक अपने घरों तक पहुंचता है। बड़े दुख के साथ में डिप्टी कमिश्नर साहब, और ये अर्ज करता हूँ कि जो है हमारी इस मांग को पूरा किया जाए, वरना ये आवाम जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि बारहा आपने सुना होगा कि इसमें जो है माजूरीन की तादाद बहुत ज्यादा है, और उसके बावजूद जब भी हमने आवाज उठाई है हमारी आवाज किसी ने नहीं सुनी है। और आज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आवाम बहुत जल्द रोडों पे उतरने वाली है, क्योंकि ये बहुत तंग आ चुकी है। बार बार इन्होंने जो है अपनी आवाज को उठाया और किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। इसलिए मैं फिर जो है डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं, और आज हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि जो है हमारी इस बात को जल्द पूरा किया जाए, वरना जब ये लोग रोडों में उतरेंगे फिर हमें नहीं कहना कि ये क्या मामला हुआ। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी इस मांग को